तो इस वीडियो में गाइज हम करने वाले हैं फुल डिटेल में कैमरा टेस्ट नथिंग फोन 2A का। दोस्तों डे लाइट और लो लाइट दोनों ही कंडीशन में हम इस फोन का कैमरा टेस्ट करेंगे, देखेंगे कैसी इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी। तो आप लोग गाइज वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है विक्की यादव और आप लोगों का हमारे एक और न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम इस फोन का फुल डिटेल में कैमरा टेस्ट करेंगे। वैसे गाइस अगर आप लोगों ने नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो नहीं देखी हमारी तो आप उस वीडियो को भी देख लो, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं और फिर फोन्स मंगाता हूं और उसकी वीडियोस बनाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो पैसा है वो सही जगह इन्वेस्ट हो, सही फोन पे इन्वेस्ट हो। तो इतनी मेहनत गाइस हम आप लोगों के लिए करते हैं। तो आप लोग भी जो है इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। बाकी गाइस अब फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस फोन के फ्रंट में दोस्तों आपको जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बाकी गाइस अभी ये वीडियो जो है मैं इसी फोन के फ्रंट फेसिंग कैमरा से शूट कर रहा हूँ 1080p 60fps पर। और आप लोग गाइस इस फोन के फ्रंट कैमरा से जो है मैक्सिमम 1080p 60fps तक ही वीडियो को शूट कर पाएंगे। गाइस ये चीज मुझे जो है काफी अच्छी लगी कि आपको जो है 1080p 60fps मिलता है फ्रंट में। नहीं तो मैंने देखा है गाइस कि 30,000 के अबव वाले स्मार्टफोन्स जो होते हैं उनके फ्रंट कैमरा से जो है आप सिर्फ 1080p 30fps तक ही वीडियो को शूट कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे नथिंग फोन 2A में आपको जो है 1080p 60fps मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। एंड आप लोग गाइज जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो डायरेक्ट फोन से रिकॉर्ड हो रही है, सो इससे गाइज आपको जो है फ्रंट कैमरा की वीडियो में जो है ऑडियो क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। एंड अभी गाइज थोड़ी बहुत जो है हवा चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग चेक करो कि जो हवा का नॉइस है उसको कितना कैंसिल आउट करता है फ्रंट कैमरा वीडियो में, एंड जो मेरी वॉइस है उसको कितना कैप्चर करता है। ऑलराइट, बाकी स्किन टोन की बात करें गाइस तो वीडियो में आपको जो स्किन टोन है वो पूरा नेचुरल देखने को मिलेगा। और डिटेल्स की अगर बात करें गाइस तो वीडियो में आपकी जो डिटेल्स है वो काफ़ी अच्छी आती है, बट जो बैकग्राउंड की डिटेल्स है वो आपको जो है उतनी शार्प नहीं देखने को मिलती है। एंड 1080p 60fps है दोस्तों, तो आपको जो वीडियो में स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी गाइस अभी जो है एक 360 डिग्री राउंड मारते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या फ्रंट कैमरा वीडियो में एक्सपोजर मेंटेन करने में टाइम लेता है या फिर नहीं। सो घूमते हैं भाई और आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। सो नथिंग बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता दोस्तों फ्रंट कैमरा वीडियो में एक्सपोजर को मेंटेन करने में। एंड मैं आपको जो है डायनेमिक रेंज भी चेक करवा देता हूं कि डायनेमिक रेंज कैसा मैनेज करता है। सो सनलाइट के अपोजिट में वीडियो शूट करते हैं भाई। तो यहां पे गाइस आप लोग देख सकते हो ये वीडियो जो है मैं सनलाइट के अपोजिट में शूट कर रहा हूं। एंड यहाँ पे गाइज आप लोग चेक करो कि डायनेमिक रेंज को किस तरह से मैनेज किया फ्रंट कैमरा ने वीडियो में। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, तो जब डायरेक्ट सनलाइट पीछे से आ रही है तो यहाँ पे डायनेमिक रेंज जो है फ्रंट कैमरा अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रहा है वीडियो में। लेकिन अगर हल्की फुल्की लाइट अगर बैकग्राउंड से आए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सही तरीके से जो है फ्रंट कैमरा ने डायनेमिक रेंज को मेंटेन किया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और अभी ये वीडियो गाइस मैं जो है वॉकिंग करते हुए शूट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे दोस्तों आप लोग जो है स्टेबलाइजेशन देखो कि कितनी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है फ्रंट कैमरा। बाकी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों तो वीडियो जो है काफ़ी स्टेबल है, लेकिन कभी कभी जो है थोड़े बहुत जिटर्स जो है देखने को मिल जाते हैं वीडियो में, लेकिन वो चीज़ गाइस एक्सेप्टेबल है। सो आप इस फोन के फ्रंट कैमरा से गाइस काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, ओके। और सेल्फीज की अगर बात करें दोस्तों तो इट टेक्स गुड सेल्फीज, इन सेल्फीज को आप लोग देख सकते हो। स्किन टोन आपको सेल्फी में भी रियलिस्टिक ही देखने को मिलेगा, कलर्स भी नेचुरल साइड भी रहते हैं और डिटेल्स आपकी सेल्फी में बहुत अच्छी आती है। इवन बैकग्राउंड की डिटेल्स भी आपको अच्छी मिलेगी। नहीं तो जनरली क्या होता है कि मैक्सिमम फोन्स की सेल्फीज में आपकी डिटेल्स अच्छी आती है बट बैकग्राउंड की डिटेल्स अच्छी नहीं आती हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट लगा मुझे नथिंग फोन 2A का। और ये सेल्फी गाइस मैंने सनलाइट के अपोजिट में क्लिक की थी डायनेमिक रेंज को चेक करने के लिए, और आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि डायनेमिक रेंज बहुत ही अच्छे से मैनेज किया फ्रंट कैमरा ने सेल्फी में। और ये वाली सेल्फी लेते टाइम गाइस जो सनलाइट है वो डायरेक्ट मेरे फेस पर पड़ रही थी, और आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही नेचुरली तरीके से सनलाइट को मैनेज किया फ्रंट कैमरा ने मेरे फेस पर। और ये है गाइस फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट शॉट्स। दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स भी फ्रंट कैमरा डिसेंट निकालता है, एज डिटेक्शन सही से करता है, बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है सेल्फी में। और इवन अगर आप ग्रुप में पोर्ट्रेट शॉट्स निकालते हैं तो वहाँ भी एज डिटेक्शन सही देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं दोस्तों इस फोन के रियर कैमरा की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की। तो इस फोन के रियर में गाइस आपको 50 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल के दो कैमरास मिल जाते हैं, जहाँ पे एक मेन सेंसर गाइस और एक अल्ट्रा वाइड लेंस है।
तो ये वीडियो गाइस मैं इसी फोन के रियर कैमरा से शूट कर रहा हूँ 4K 30fps पर, और इस फोन के रियर कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 30fps तक ही वीडियो को शूट कर पाएंगे। बाकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी गाइस मुझे बहुत अच्छी लगी रियर कैमरा की, काफी सही वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है रियर कैमरा की। दोस्तों रियर कैमरा भी यहाँ पे जो है पूरी नेचुरल वीडियो शूट करता है, कलर्स वगैरह जो है वो नेचुरल साइड पे रहते हैं, डिटेल्स भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है रियर कैमरा की वीडियो में। लेकिन दोस्तों एक चीज मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि वीडियो का जो रेजोल्यूशन है वो 4K 30fps है, बट स्टिल वीडियो में आपको स्मूथनेस बहुत अच्छी मिल जाती है, काफी स्मूथ वीडियो शूट करता है इस फोन का जो रियर कैमरा है, और वीडियो में एक्सपोजर मेंटेन करने में भी रियर कैमरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है, एकदम क्विकली एक्सपोजर को मेंटेन करता है। बाकी गाइस मैं आपको रियर कैमरा की और भी वीडियो क्लिप्स दिखा देता हूं ताकि आप रियर कैमरा की वीडियो क्वालिटी को लेकर और भी श्योर हो जाओ अपनी तरफ से। और अभी ये वीडियो भी गाइस शूट हो रही है नथिंग फोन 2A स्मार्टफोन के रियर फेसिंग कैमरा से 4K 30fps पर ही शूट हो रही है गाइस ये वीडियो। एंड अभी आप लोग चेक करो कि अगर आप किसी यूमे सब्जेक्ट का वीडियो बनाते हो इस फोन के रियर कैमरा से तो आपको जो है स्किन टोन वहाँ पे किस तरह का देखने को मिलेगा। एंड आप लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो गाइस अभी वो डायरेक्ट फोन से रिकॉर्ड हो रही है, सो इससे गाइस आपको जो है रियर कैमरा की वीडियो में ऑडियो का पता लग जाएगा कि कितना आपका वॉइस कैप्चर करता है रियर कैमरा वीडियो में, एंड आसपास का जो नॉइस है उसको कितना कैंसिल आउट करता है, ठीक है। और ये वीडियो दोस्तों मैं रियर कैमरा से ही शूट कर रहा हूँ वॉकिंग करते हुए, और यहाँ पे आप लोग स्टेबलाइजेशन देखो दोस्तों, वॉकिंग करते हुए वीडियो में बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है। चलिए थोड़ा भागकर भी देखते हैं कि स्टेबलाइजेशन कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भागते हुए भी गाइस काफी बढ़िया वीडियो स्टेबल थी, लेकिन यहाँ पे जिटर्स जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। तो ओवरऑल दोस्तों इस फोन के रियर कैमरा से जो है आप एक अच्छी और स्टेबल वीडियो शूट कर पाएंगे। एंड ये वीडियो दोस्तों मैं शूट कर रहा हूँ अल्ट्रा वाइड पे, और दोस्तों अल्ट्रा वाइड वीडियो भी जो है आप मैक्सिमम 4K 30fps पर शूट कर पाएंगे, और फिलहाल ये वीडियो मैं 4K 30fps पर ही शूट कर रहा हूँ। अल्ट्रा वाइड एंगल पे भी आपको वीडियो क्वालिटी काफी जबरदस्त मिलेगी, आप लोग वीडियो देख ही सकते हो दोस्तों, वीडियो में एरिया काफी सफिशियंट कैप्चर करता है इस फोन का जो अल्ट्रा वाइड लेंस है, और अल्ट्रा वाइड एंगल पे भी गाइस आपको काफी अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। और ये फोटोज गाइस हमने इसी फोन के रियर कैमरा से निकाले हैं। दोस्तों फोटोज के लिए मैं बिग थम्स अप दूंगा इस फोन को, फोटोज बहुत ही ब्रिलियंट निकालता है रियर कैमरा, इन सैंपल्स को आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और हाँ दोस्तों फोटोज भी पूरी नेचुरल क्लिक करता है रियर कैमरा वीडियो की तरह, इसमें भी आपको जो कलर्स है वो नेचुरल ही देखने को मिलेंगे, इवन जो स्किन टोन है वो नेचुरल ही आता है, डिटेल्स भी बहुत बढ़िया आती है फोटोज में। और ये वाली फोटो गाइस मैंने सनलाइट के अपोजिट में क्लिक की थी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस की डायनेमिक रेंज को काफी सही तरीके से मैनेज किया है, काफी बैलेंस फोटो आई है। बाकी दोस्तों मैं आपको और भी कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ रियर कैमरा के। और जूम इन की बात करें गाइस कि आप रियर कैमरा से कितनी जूम करके फोटोज निकाल सकते हो, तो अप टू 10x तक आपको जूमिंग मिल जाती है रियर कैमरा में। और ये फोटो देखो गाइस, ये मैंने 1x पर क्लिक की है, ये 2x पर, और ये 5x पर, एंड फाइनली ये फोटो मैंने 10x पर क्लिक की है। दोस्तों 10x तक जूम इन करने पर भी फोटो काफी सही आ जाती है, फोटो में डिटेल्स आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगी। तो ये दोस्तों रियर कैमरा के पोर्ट्रेट शॉट्स। दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स सही बताऊं तो अच्छे नहीं निकाल पाता है रियर कैमरा, कभी कभी एज डिटेक्शन सही तरीके से नहीं कर पाता है, ब्लर मिस आउट हो जाता है,
यहाँ पे जूम इन करने पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे ईयर्स के पास एज डिटेक्शन करने में फेल हो गया है रियर कैमरा, तो पोर्ट्रेट शॉट्स गाइस अच्छे नहीं निकाल पाएंगे आप इस फोन से। और ये फोटोज दोस्तों मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस पे क्लिक की है। अल्ट्रा वाइड लेंस भी दोस्तों बढ़िया फोटोज निकालता है, फोटोज में काफी लार्ज एरिया कैप्चर करता है और डिटेल्स भी अच्छी मिल जाती है अल्ट्रा वाइड वाली फोटोज में। और कलर शिफ्ट भी आपको उतना नहीं देखने को मिलेगा नॉर्मल फोटोज और अल्ट्रा वाइड वाली फोटोज में। बाकी अल्ट्रा वाइड लेंस भी डायनेमिक रेंज को जो है अच्छे से मेंटेन करता है फोटो में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस फोन का जो है डे लाइट में कैमरा टेस्ट। और चलिए अब लो लाइट में भी जो है कुछ फोटोज और सेल्फीज निकालते हैं, देखते हैं कि लो लाइट में इस फोन के कैमरास कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये कुछ फोटोज और सेल्फीज है दोस्तों जो हमने इसी फोन के फ्रंट और रियर कैमरा से निकाले हैं लो लाइट कंडीशन में। और लो लाइट के लिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा दोस्तों, सीधा आपसे एक ही बात बोलूंगा कि लो लाइट में इट टेक्स इनक्रेडिबल फोटोज। जी हाँ दोस्तों, इस फोन की लो लाइट परफॉर्मेंस मुझे डैम गुड लगी है, चाहे बात कर लो फोटोज की चाहे सेल्फीज की, दोनों में ही आपको क्लियरिटी बहुत जबरदस्त मिलेगी। इवन डिटेल्स भी बहुत शार्प आती है गाइज लो लाइट होने के बावजूद भी। तो लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस आपको इनसेन मिलेगी इस फोन में। इन फोटोज और सेल्फीज को आप लोग देख ही सकते हो दोस्तों, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल गाइज जो इस फोन की प्राइस है उसके हिसाब से जैसे इस फोन की कैमरा परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जस्टिफाई करती है इसको। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस फोन का फुल कैमरा टेस्ट। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।